करेक्शन ऑफ एरर्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा एरर्स क्या होते हैं? गलतियां, मिस्टेक्स। ठीक है, एरर क्या होते हैं? मिस्टेक्स, गलतियां। अच्छा ये बताएं, अब तक जो हमने अकाउंट पढ़ी है जितनी, इसमें आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं? क्या क्या आप लोगों ने मिस्टेक्स की, क्या क्या एरर्स किए तक जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, तो आप लोगों ने क्या गलतियां की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में? किसी भी तरह की, कभी डेबिट ट्रेड में गलती कर दी, और कभी ऐड करना भूल गए, कैलकुलेशन में कोई एरर आ गया, बैलेंसिंग में कोई एरर आ गया, ठीक है, कुछ वैल्यूज रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट हम नहीं बनाते, बैंक बनाते हैं वो तो। अच्छा एरर हो क्या सकते हैं, और क्या एरर हो सकते हैं? चले ये तो कुछ प्रॉफिट ही जाएगा। अच्छा लॉस, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, उसमें क्या मिस्टेक कैरी की? कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन कर दिया, ब्रॉट डाउन को कैरी डाउन कर दिया। बैलेंस और तो आगे गया, हम बढ़े गए, आगे चले गए थे, ठीक है। अच्छा तो फिर एरर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक हो गई, गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर ली, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, टोटल गलत किया आपने, ज्यादा टोटल कर लिया, टोटल का ऐड करना भूल गए, कई एरर्स आ सकते हैं। अच्छा एरर्स को हम डिवाइड करते हैं, पहले हम बात करेंगे एरर्स की, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि करेक्शन। जितने भी एरर्स होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज, पहले वो कैटेगरीज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किस कैटेगरी में कौन कौन से एरर्स आते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे उनकी करेक्शन किस तरह की जाती है। ये दो कैटेगरीज हैं, पहली है एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बाकी ये दूसरे नाम है उसके, एरर नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट डिटेक्टेड और नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। और सेकेंड कैटेगरी है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये एरर आइडेंटिफाइड डिटेक्टेड रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अच्छा इसका मतलब क्या, एरर नॉट अफेक्टिंग मीन्स कि ये वो एरर्स हैं जो अगर एग्जिस्ट कर भी रहे होंगे तब भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाए। ट्रायल बैलेंस इक्वल आने का ये मतलब नहीं होता कि आपके रिकॉर्ड्स एरर फ्री हैं, एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है, ये पॉइंट याद रखिए। तो ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना क्या शो करता है? अच्छा ये बताएं, अभी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, इसमें दोनों साइड हम इक्वल लाते थे ना, इक्वल आने का मतलब क्या होता है? अच्छा ये लेकिन ऐसा अनक्लियर हो गया, नहीं है नहीं नहीं क्लोज, इसका मतलब अकाउंट सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट एरर फ्री है, एरर होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है। तो फिर ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना क्या शो करता है? अकाउंट बनाया सही है, लेकिन एरर नहीं हुई अकाउंट के अंदर, एक जो है माइनस किया हुआ और एक ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना ये शो नहीं करता कि आपके रिकॉर्ड जो है वो एरर फ्री है, ऐसा नहीं है, एरर होने के बावजूद, मिस्टेक्स के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल अमाउंट था 100 का, आपने एंट्री बनाई 1000, 1000 से डेबिट किया, 1000 से क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा? बिल्कुल इक्वल आएगा, लेकिन टोटल जो होगा वो गलत होगा ना। तो ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना सिर्फ ये शो करता है कि आपने हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाई सेम अमाउंट, बस। अब वो एंट्री सही बनी गलत बनी उसकी कोई गारंटी ट्रायल बैलेंस नहीं देता है। ट्रायल बैलेंस के इक्वल आना क्या शो करता है? कि आपने हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री सेम अमाउंट से बनाई, जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट, बस। तो ट्रायल बैलेंस के इक्वल आना ये शो नहीं करता कि आपके जो रिकॉर्ड्स है वो एरर फ्री है, क्योंकि एरर होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है। जैसे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए तो ये एक एरर ही है ना, कोई ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल जाए तो एरर है, तो ट्रायल वाले से इक्वल होगा या नहीं? नहीं होगा, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा थोड़ा। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, अरे एक सेकंड,
रिकॉर्ड ही नहीं किया, कंप्लीट भूल गए, कैश सेल्स की रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई एक्सपेंस पे ही किया रिकॉर्ड करना भूल गए, सॉल्व इक्वल आएगा, वाले से इक्वल आएगा। रिकॉर्ड ना करने का मतलब ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो सॉल्व वाले से तो कोई इफेक्ट नहीं होना है। ही। तो याद रखें, एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है। ट्रायल बैलेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना क्या शो करता है, कि आपने एक ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन डबल एंट्री बनाई है सेम अमाउंट से पर, अब वो सही है गलत है उसकी कोई गारंटी नहीं, और जो अफेक्टिंग है ये वो एरर होंगे कि जो जो जब एक्सेस कर रहे होंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, एक साइड ट्रायल बैलेंस की ज्यादा होगी एक साइड कम होगी। तो ये तो हो गई दो कैटेगरीज, एरर्स अफेक्टिंग और नॉट अफेक्टिंग। अच्छा पहले इसमें हम पढ़ेंगे एरर्स नॉट अफेक्टिंग, तो ये अफेक्टिंग पढ़ेंगे बाद। पहले इसके मैं आपको नाम लिखवा दूं, ये एरर्स नॉट अफेक्टिंग कितनी टाइप्स के होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी करेक्शन किस तरह होती है। स्टार्ट करते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग, पहले इसके नाम लिख लेते हैं कौन कौन से एरर्स होते हैं, के बाद हम पढ़ेंगे इनके करेक्शन। सबसे पहले एरर है एरर ऑफ ऑमिशन। एरर ऑफ ऑमिशन, ऑमिशन के मीनिंग क्या होते हैं, ऑमिट होना, ऑमिशन भूल जाना, ऑमिट हो जाना भूल गए। एरर ऑफ ऑमिशन क्या है, वेयर अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ऑमिटेड फ्रॉम द बुक्स, कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। ओके ये लिख लें। अब ये नॉट अफेक्टिंग की टाइप्स हैं, अब ये एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की टाइप्स, एरर ऑफ ऑमिशन, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो पहले एरर है एरर ऑफ ऑमिशन, दूसरा अच्छा नेक्स्ट सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन तब ये क्या होता है, दिस एरर अकर्ड व्हेन द करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड, करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। जैसे रेंट एक्सपेंस की जगह आपने सैलरी एक्सपेंस लिख दिया, कैश की जगह बैंक आ गया, रॉन्ग अकाउंट। आगे क्या लिखा है, हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ, हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। हेड ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, टाइप्स के होते हैं पांच, पांच टाइप के। वो कह रहे हैं कि रॉन्ग अकाउंट तो हो, अकाउंट तो रॉन्ग हो लेकिन हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, जैसे कैश को डेबिट करना था आपने बैंक को डेबिट कर दिया, अकाउंट रॉन्ग हो गया, कैश की जगह बैंक लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, दोनों एसेट हैं। अच्छा फर्नीचर को डेबिट करना था आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, फर्नीचर भी एसेट है मशीन भी एसेट है, अकाउंट रॉन्ग है लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम है। आपने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था, लोन पेबल को क्रेडिट कर दिया, तो अकाउंट पेबल लोन पेबल अकाउंट रॉन्ग हेड हुआ, अलग हो गया, हेड ऑफ अकाउंट सेम, अकाउंट पेबल लायबिलिटी लोन पेबल भी लायबिलिटी है सेम। ये चीज जैसे रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया,
तो अकाउंट रॉन्ग हो गया लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम है। तो अकाउंट रॉन्ग हो लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम हो तो ये क्या लगेगा, एरर ऑफ कमीशन। जैसे एसेट की जगह एसेट, एक्सपेंस एक्सपेंस, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, इनकम जिसके एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ऐसा तो एग्जाम्पल भी लिखेंगे ये आपको याद रहे। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, कैश सेल्स किए हैं, तो वो कैश सेल्स की एंट्री होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होती है। और क्या हमने, अच्छा ये तो एंट्री बननी चाहिए थी, कैश सेल्स की हमने तो एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। हमने एंट्री बनाई क्या कि हमने कैश को डेबिट करने के बजाय बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, एरर आ गया। एरर क्या हुआ, कैश को डेबिट करना था, बैंक अकाउंट को डेबिट, रॉन्ग अकाउंट हो गया। लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, कैश भी है से बैंक भी है, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। सेकंड एग्जांपल, ओके रेंट पे किया हमने, एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमने एंट्री बनाई क्या, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना था, रॉन्ग अकाउंट हो गया। लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, रेंट भी एक्सपेंस सैलरी भी एक्सपेंस, तो अकाउंट रॉन्ग हो लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ अकाउंट सेम नहीं, वो अलग हो जाता है, वो अफेक्टिंग में जाएगा। इसमें सिर्फ क्या है, टाइटल चेंज हो रहा है, अकाउंट नेम चेंज हो रहा है, टाइटल चेंज हो रहा है, हेड ऑफ अकाउंट सेम है। यहाँ पर क्या है, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, एसेट एसेट, और यहाँ एक्सपेंस है। अभी तो नेक्स्ट आएगा, तो आ रहा है उसके बाद, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज होता है तो फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट है फिर। बिल्कुल अभी बता, ये लिख लिया आप, एग्जाम्पल साथ साथ लिखते जाए, आप डेफिनेशन के बाद ये लिख लें एग्जाम्पल। कब इसमें क्या था, टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहे हैं लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, सब ये भी तो हो सकता है कि टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज होते हैं। जैसे एसेट को आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी को इनकम रिकॉर्ड कर लिया, तो अगर आपका हेड टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो जाए वो कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर व्हेन एन अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। तो अगर आपको हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो रहे हैं, क्लास ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट चेंज, तो वो क्या लाएगा फिर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन रिपेयर करवाई, तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होगा। अच्छा आपने एंट्री क्या बनाई, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गए, रिपेयर एक्सपेंस है, मशीन एसेट है, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा बैंक से आपने लोन रिसीव किया, तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री क्या बनाई आपने, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो लोन पेबल के नेचर क्या है, लायबिलिटी, कैपिटल के नेचर इक्विटी, हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हमने वही मशीन रिपेयर करवाई, तो एंट्री हो गई रिपेयर एक्सपेंस डेबिट मशीन कैश क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री बनाई हमने, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन रिपेयर करवाई, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट को ही डेबिट कर। अब इसमें क्या हुआ, टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहा है लेकिन हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो गया, सही। अब सेकेंड एग्जाम्पल, लोन हमने लिया, लोन रिसीव किया, तो एंट्री होगी बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री हमने बनाई बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, नहीं करेगा।
देखिए अमाउंट देखे ना, डेबिट कितने से करना था, डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है ना, डेबिट क्रेडिट सेम। अभी मैंने वो बताया ना, ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना क्या शो करता है, कि आपने हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाई है सेम अमाउंट। सिर्फ एंट्री सेम अमाउंट से बनेगी, इक्वल अमाउंट से तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेबिट वो टाइटल आप कुछ भी लीजिए, वो कुछ भी हो, जब तक आपका अमाउंट चेंज नहीं होगा ना डेबिट क्रेडिट का, तब तक ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल डेबिट पे आप लिखते हैं 1000, क्रेडिट में लिखते हैं 2000, फिर अफेक्ट आता। तो वही मैंने आपको बताया, ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना शो करता है कि आपने हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाई सेम अमाउंट से, ये बस। अब वो सही है गलत उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉपी कर लें। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोज के मीनिंग क्या होते हैं, होता है ट्रांसपोज। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट हाँ सही कह रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, क्या मतलब? एग्जाम्पल सही कह रहे हैं, एग्जाम्पल दें। 75, 57 आ जाए, 21 और 12। ट्रांसपोजिशन मीन्स होते हैं जैसे आपके रद्दो बदल। रद्दो बदल क्या है, इधर का माल उधर, उधर का माल, ये ट्रांसपोजिशन है। क्या आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, डिजिट्स का सीक्वेंस चेंज होता है, जैसे 12, 21 हो गया, 75, 57 हो गया, 105, 501 हो गया, 63, 36 हो गया, 1991 हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज होना, रद्दोबदल, सीक्वेंस चेंज होना कैसे नहीं करेगा। आप भी सिखाते हैं, करेंगे फिर वो दोनों साइड, तब दोनों साइड आएगा, एक साइड होगा तब अफेक्ट करेगा, दोनों ट्रांसपोज हो गए तो नहीं। आगे पीछे होगा, फिर नंबर चेंज हो सकता हाँ आगे पीछे 69 का 96 हो गया। नंबर चेंज होगा वो भी अगला है, फिर तो भी नंबर चेंज हो गया ना वो फिर अगला हो जाएगा। जैसे 44 को आपने 49 कर दिया, 45, 46 हो जाता है ना, 5 और 6 मिलता जुलता, नंबर चेंज करेंगे वो फिर अगला याद आ जाएगा। अच्छा, तो ट्रांसपोजिशन क्या है कि सीक्वेंस आपका डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, डिजिट सेम सीक्वेंस चेंज। एग्जाम्पल कैश सेल्स की हमने 123 की और रॉन्ग एंट्री बनाई 321 कर दी, 123, 321 हो गए सही, ओरिजिनल अमाउंट था 123, रॉन्ग 321। ट्रांसपोजिशन, डिजिट सेम, सीक्वेंस चेंज हो गया ना। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने इक्विपमेंट्स बाय की 705 की और इसको रिकॉर्ड किया 750 से, 705, 750, और डिजिट सेम है 705, 705, सीक्वेंस चेंज हुआ, तो डिजिट सेम सीक्वेंस चेंज, 705, 5, 750 हो गया, 123, 321 हो गया, दोनों फोटोग्राफी चेंज। हाँ दोनों चेंज होंगे तो नॉट अफेक्टिंग होगा ना, अगर एक चेंज हुआ एक सही तो वो अफेक्टिंग में चला जाएगा, वो तो फिर अफेक्टिंग में आ जाएगा, दोनों साइड चेंज सही है। ट्रांसपोजिशन के जिसमें डिजिट सेम है सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि डिजिट ही चेंज होता है, डिजिट तो चेंज हो सकता है ना। 45 को आपने 46 कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया, 3 था 83 था 88 हो गया। अच्छा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, एक जीरो कम कर दिया, ये भी हो सकता है ना। अब अगर आपके डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट ज्यादा हो जाए या डिजिट चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
अब यहाँ पे आपका डिजिट्स चेंज हो जाए, डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट्स ज्यादा हो जाए, और उसकी वजह से आपका अमाउंट चेंज होगा तो वो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ छोटे हैं ऐसे लग रहा है टू डीजे, अच्छा ही क्वालिटी, वैसे अच्छी क्वालिटी थोड़ी है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ से आवाज आनी दो जाएंगे करीब बना पर, वैसे लो क्वालिटी। थैंक यू, ऐसे मैं क्यों, ठीक असल इसका ओरिजिनल तो खराब हो गया, उससे ही हुआ था कि ऐसे मैंने पकड़ा ये स्लिप हो गया, वायर खींचा वो ब्रेक हो गया, डुप्लीकेट तो फिर ऐसे ही होता है, ओरिजिनल इसका खराब हो गया क्या। महंगा वाला मंगा, महंगा वाला मंगा, क्योंकि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके एग्जांपल देखते हैं, अभी हमने कैश सेल्स की 10,000 की कैश सेल्स, और रिकॉर्ड केस में हमने 1,000, ओरिजिनल अमाउंट था 10,000, रॉन्ग अमाउंट 1,000, एक जीरो कम लगा कम लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक जीरो कम हो गया। अच्छा नेक्स्ट, स्टेशनरी बाइक की हमने 183 की, और रिकॉर्ड के इसको 188 से। अब यहाँ क्या हुआ, डिजिट चेंज हो गया, 3 की जगह 8 आ गया, तो ये हो गया एरर ऑफ ओरिजिनल। तो डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट ज्यादा हो जाए, डिजिट्स चेंज हो जाए, वो कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख लें कॉपी। नेक्स्ट, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, तो नाम से क्लियर है, रिवर्सल रिवर्स मतलब डेबिट वाली एंट्री, क्रेडिट क्रेडिट वाली एंट्री, डेबिट रिवर्स हो जाए। कंप्लीट सेकंड लास्ट, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, एंट्री होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, और अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो जाएगा कंप्लीट रिवर्सल। सेकेंड, कस्टमर से कैश रिसीव किया, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश, क्योंकि कंप्लीट रिवर्स। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, लास्ट एरर कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर तो नाम से क्लियर है, कॉम्पनसेट क्या क्या, वे एरर्स विच आर कोइंसिडेंटली इक्वल एंड अपोजिट टू वन एंड अदर, मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर आ जाएं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, वो कहलाएंगे कॉम्पनसेटिंग एरर। अच्छा अब इसमें जो एरर, ये सिर्फ डेफिनेशन के अंतर क्या है, इसके कोई एग्जाम्पल तो होगी, लेकिन करेक्शन जो भी करेंगे वो वन बाय वन ही होती है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैश का टोटल कर रहे थे, कैश का टोटल करते हुए आपने 5,000 ज्यादा ऐड कर लिए,
ठीक। और जब बैंक का टोटल करने लगे तो 5000 ऐड करना भूल गए, तो कैश बैलेंस 5000 से ज्यादा हो जाएगा, बैंक बैलेंस 5000 कम, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। रिसीवेबल का टोटल कर रहे थे 2000 आपने ज्यादा ऐड कर दिए, पेबल का टोटल कर रहे थे वहां भी 2000 ज्यादा ऐड हो गए, तो रिसीवेबल डेबिट पर आएंगे, पेबल क्रेडिट होते हैं, इफेक्ट कैंसिल। तो दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स आ जाएं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, वो कहलाएंगे कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है। तो